हेलो फ्रेंड्स, आप लोग काफी इंतजार कर रहे थे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में मेरी वीडियो का, और आपके काफी कमेंट्स भी जो है मेरे पास आ रहे थे। उसमें से कुछ कमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मेहुल अहिर जी ने बोला था कि वाई IDFC फर्स्ट बैंक इज फॉलिंग व्हेन अदर्स आर ग्रीन। वो बोल रहे थे कि जब सारे बढ़ रहे हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक क्यों गिर रहा है। तो मेहुल जी, इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर हम देंगे। और दूसरी बात जो है, यश मानक जी ने एक सवाल पूछा था, सर वेटिंग फॉर योर वीडियो ऑन IDFC फर्स्ट बैंक 2000 करोड़ फंड रेजिंग वाया प्रेफरेंशियल शेयर्स। मैं इस सवाल का भी जवाब आज आपको देने वाला हूं। उसके बाद तीसरा जो हमारे व्यूअर्स थे, उन्होंने एक जनरल बात की थी, विनोद अग्रवाल जी, वेरी नाइस कैंडिड एंड नेचुरल एनालिसिस, वेरी रीअश्योरिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट विल टॉप आउट एट 9388। अभी तो देखिए मार्केट उससे ऊपर निकल गई, टूवर्ड 777 बाय 17 मई 2020। तो विनोद जी, मैं भी आपकी बात तक काफी हद तक जो है सहमत हूँ, तो आपकी भी बात जो है मैंने रखी। तो ये हमारे व्यूअर्स थे जिनकी बात मैं अभी आपके साथ कर रहा था। अब मैं बात करता हूँ अपने मुद्दे की बात पे, कि आज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है उसको कंफर्म कर दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। हालांकि देखिएगा, इसके लिए अभी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा कंपनी की जनरल मीटिंग में, लेकिन COVID-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से एक ई प्लेटफॉर्म जो है वो सेबी ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो ई प्लेटफॉर्म के द्वारा जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनसे परमिशन वहां पर ले ली जाएगी। अब ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता क्या है? तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनी शेयर्स कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज को देती हैं बजाय कि जनरल शेयर होल्डर्स के, यानी कि सभी शेयर होल्डर्स के बराबर के अलावा किसी और व्यक्ति को वो शेयर्स देना चाहती है, तो वहां पर जो है ऐसा वो कर सकती है, लेकिन अपने शेयर होल्डर से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो परमिशन अभी मांगेगी अभी हम शेयर होल्डर से, हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको जो है अप्रूव कर दिया है, और कुछ पार्टीज के नाम भी रखे हैं, और जो प्राइस रखा गया है वो 23 रुपीज 19 पैसा रखा गया है, जो अभी वर्तमान में जो शेयर प्राइस है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको नजर आएगा। तो आप ये देखिएगा, तो यहाँ पर जो शेयर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉटमेंट होगी उनकी, वो किन पार्टीज को करने की बात कर रही है जो है IDFC फर्स्ट बैंक, और इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की या प्रेफरेंशियल शेयर्स की क्या जरूरत थी, इन सब पहलुओं पर जो है मैं बात करूंगा। तो देखिएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देती है, क्योंकि उनके जो राइट्स हैं वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होते हैं, तो उस शेयर्स को बोलते हैं राइट इशू। अगर कंपनी राइट इशू के माध्यम से शेयर्स इशू नहीं करना चाहती, बल्कि अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर्स को अलॉट करना चाहती है, तो उस अलॉटमेंट को आप बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी कि कंपनी कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज को जो है वो शेयर्स देना चाहती है, जिसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट जो इशू होगी वो किन लोगों को इशू होगी, वो भी तो बात करेंगे, और फिर इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का शेयर प्राइस के ऊपर या कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो उन सब चीजों से पहले मैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में आपसे बात करता हूँ, कि देखिएगा, बैंक को ऐसा लग रहा था, स्पेशली मैं वी वैद्यनाथन जी का नाम कभी लूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह पर, तो वी वैद्यनाथन जी को लग रहा था कि जो बैंक है उसके पास जो कैपिटल है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और COVID-19 जैसी सिचुएशन के अंदर तो हमें स्पेशली उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिजनेस पिछले एक महीने से जो है बिल्कुल ड्रास्टिकली अफेक्टेड है नेगेटिवली, तो यहाँ पर जो है बैंक के पास जो है, बैंक को लग रहा था कि अपनी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो और यहाँ पर हालांकि जो लिक्विडिटी है वो RBI के द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में जो है एडजस्ट नहीं होती है, तो बैंक को अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है इंप्रूव करने के लिए जो है इन शेयर्स को इशू करने की नौबत आई। तो बैंक यहां पर जो है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करने से पहले ही जो है प्रेफरेंशियल शेयर्स की जो है अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शेयर्स हैं वो 86,24,40,704 करोड़ शेयर्स हैं, वो इशू होंगे 23.19 से। अब ध्यान रखिएगा कि जो शेयर्स की बुक वैल्यू है वो अभी 30 रुपए से ऊपर है, और अगर उसमें 23 रुपए वाले शेयर्स मिलेंगे तो शेयर्स की जो बुक वैल्यू है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। ये मैं इन्वेस्टर्स जो हमारे भाई हैं वो जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी बात है, ये जो टोटल पैसा आएगा इसे 2000 करोड़ रुपीज आएगा, और ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशन है उसको भी हम फॉलो करेंगे, यानी कि जो हमारा बैंक है वो उसको फॉलो करने जा रहा है। तो सीधी सी बात यह है, तो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताई, जरूरत क्या थी, क्योंकि बैंक के अंदर जो कैश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब देखिएगा कि शेयर्स किसको इश्यू होंगे, शेयर्स किसको इश्यू होंगे, ये सबसे खास बात है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो कंपनी का ओरिजिनल मालिक है IDFC
तो फाइनेंस होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास 40% होल्डिंग है। लेकिन अगर नए शेयर्स आ जाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि नए शेयर्स आने की वजह से होल्डिंग क्या होगी, कम हो जाएगी अगर वो शेयर्स किसी और को देंगे। तो IDFC फाइनेंस होल्डिंग इतने शेयर्स अभी और लेगी जिससे कि उसकी होल्डिंग 40% पर बनी रहे, यानी कि उसकी परसेंटेज होल्डिंग। तो उसको जो शेयर्स अभी जो है दिए जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, जितने शेयर्स दिए जाएंगे वो जो शेयर्स हैं वो 34,49,76,282 शेयर्स जो है इनको इशू होंगे, और जिसके बाद उनकी जो परसेंटेज शेयर होल्डिंग है वो 40% ही रह जाएगी। तो इसका मतलब है कि काफ़ी बड़ा जो पोर्शन है वो IDFC यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है वही इन शेयर्स को खरीदने जा रही है। इससे एक विश्वास जो है बैंक के अंदर बना रहेगा और कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है, यानी कि अभी तो होल्डिंग का स्टेटस तो नहीं है लेकिन ये कभी होल्डिंग कंपनी हुआ करती थी जो है मर्जर से पहले, तो वो अपनी 40% होल्डिंग जो है आज भी रखना चाहेगी। उसके बाद एक नया इन्वेस्टर कंपनी के पास आ रहा है जो पहले नहीं था, और ये है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कंपनी के अंदर 25,87,32,212 शेयर्स खरीदने जा रही है, जो टोटल होल्डिंग 4.56% होगी। तो इससे पहले उसके पास तो शेयर्स नहीं था। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एक जानी मानी जो कंपनी है वो इस बैंक के अंदर जो है निवेश करने जा रही है। ये एक बैंक के लिए भी बहुत अच्छा है कि जब इस तरीके की जो इन्वेस्टर्स हैं जो उनकी मार्केट के अंदर एक जबरदस्त रेपुटेशन है, तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, और वो भी जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से थोड़ा सा प्रीमियम पे ही है, उससे नीचे जो है डिस्काउंट पर नहीं है। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद जो है डे साइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एफिलिएटेड एंट्री ऑफ वारवरी पिनकस। तो देखिएगा वारवरी पिनकस जो है एक मेजर इन्वेस्टर रहा है इस बैंक के अंदर। वास्तव में वो कैपिटल फर्स्ट के अंदर जो है काफी इंटरेस्टेड रहा था, और वो कैपिटल फर्स्ट की इन्वेस्टमेंट की वजह से उसके पास भी जो शेयर्स थे वो 0.12% होल्डिंग थी इस IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। अब वो भी जो है अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है और यहाँ पे 1.62% जो अपनी होल्डिंग कर लेगा, तो 8,62,44,070 शेयर्स जो है वो उसको अलोकेट किए जाएंगे। अब उसके बाद एक और जाना माना नाम देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC ग्रुप की जो है दिग्गज कंपनियों में से एक कंपनी जो है वो भी इसके अंदर स्टेक लेने जा रही है, और वो लेने जा रही है 1.52। तो यहाँ पर जो देखिएगा एक कॉन्फिडेंस जो है वो इस शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि कितने बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, और जानी मानी जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं इंडिया की वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। और 8,62,044,070 crore जो शेयर्स हैं वो जो है कंपनी इनको अलोकेट करेगी। तो इनकी जो अलॉटमेंट होगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है बैंक के पास 2,000 crore rupees आएगा। तो जो उसको अपनी ग्रोथ के लिए जो कैपिटल चाहिए, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है इंप्रूव कर जाएगी। देखिए बैंक बिना कैपिटल के जो है ग्रो नहीं कर सकता। अब बैंक की जो कैपिटल ऑलरेडी बहुत बड़ी है, अगर वो राइट इशू बेसिस पे देता है, और COVID-19 की वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं वो हो सकता है कि अभी थोड़ी प्रॉब्लम में हो, तो इसलिए जो है शेयर होल्डर पे प्रेशर ना डाल के जो है जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं उनको लाने की जो है कोशिश की जा रही है। उसके बाद एक और जो है इंश्योरेंस कंपनी है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वो जो है 1,35,33,000 शेयर्स वो खरीदने जा रही है इसके अंदर, और जो कि 0.28 है, जो कितना है 0.28% जो है उसके पास पहले से होल्डिंग थी, और अब नए शेयर जो खरीदेगी वो देखिएगा 8,62,44,070 शेयर्स, और जो होल्डिंग है वो 1.76 जो है हो जाएगी। और जो अभी मैंने डेविड वाली जो कंपनी की बात की थी डे साइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, वो क्लोवर डेवल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बोथ इज अ वारवरी पिनकस लिमिटेड कंपनी। तो ये वारवरी पिनकस जो है उसकी जो होल्डिंग है, तो इसके अलावा भी वारवरी पिनकस की दूसरी कंपनी में भी होल्डिंग है। तो वारवरी पिनकस की जो होल्डिंग है वो 9.92 थी बिफोर होल्डिंग, और उसके बाद 9.93 हो जाएगी। तो उसकी क्योंकि ग्रुप कंपनीज हैं, वारवरी पिनकस जो है एक US का ग्रुप है जो कि इंडिया की बहुत अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश करता है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है कि वो वास्तव में एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब यहाँ पर इस बैंक के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, इसके जो शेयर प्राइस ऊपर होंगे, तो हो सकता है कि इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं बाद में एक अप्रोप्रिएट टाइम पर भी एग्जिट कर जाएं। अगर हम देखें तो जो आज की डेट में जो प्राइवेट दिग्गज बैंक है उनमें भी इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट जो होती थी। जब मैं HDFC का एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा था कि 96-97 के आसपास जब बैंक शुरू हुआ, तो उसके बाद जो 98-99-2000 के अंदर इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर आते थे, और वहाँ पर एक नेट वेस्ट कंपनी जो हुआ करती थी वो भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करती थी, और बाद में मेरे ख्याल से 11-12 के आसपास जो है वो कंपनी बहुत अच्छे अपने पैसे की ग्रो करके जो है वो एग्जिट कर गई। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो बात मैंने आपके साथ की, तो ये जो शेयर्स हैं जिनको अलोकेट होंगे उसकी वजह से क्या होगा, बैंक की बैलेंस शीट में जो है कैपिटल बढ़ जाएगी, और दूसरी
दूसरी तरफ बैंक की बैलेंस शीट में कैश आ जाएगा 2000 करोड़ रुपीज का। और जिस तरीके से ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी, तो बैंक जो है दोबारा से जो है नई जो है ताजगी के साथ आपको आगे काम करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि ये जो शेयर प्राइजेज हैं इसके उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिएगा जो शेयर प्राइज हैं उस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपके साथ बात करता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा इस शेयर्स का जो प्राइस है वो बिफोर जो है इस कैपिटल रेजिंग के कितना है। द बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द बैंक आफ्टर द कैपिटल रेज इज 30.40, यानी कि 30.40 रुपये वैल्यू हो जाएगी इस शेयर्स की बुक वैल्यू, जो भी 31.82 रुपये है। रीज़न ये कि जो शेयर्स आ रहे हैं वो सस्ते शेयर्स आ रहे हैं, यानी कि जो शेयर्स हैं जो भी बुक वैल्यू है 31.82 रुपये की चीज़ में अगर 23 रुपीज़ की चीज़ आप मिलाओगे तो अल्टीमेटली शेयर्स की वैल्यू जो है नीचे होगी। लेकिन ये कोई कंसर्न नहीं है, ये कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है स्टेप जो है ये वेलकम स्टेप है, और यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने जो है कैपिटल को रेज करने का प्लान किया है, ये मुझे लगता है कि सही समय पर एक सही डिसीजन लिया गया है, और ये जो कैपिटल है ये शेयर होल्डिंग के माध्यम से रेज की गई है। आप में से कुछ लोगों के जो हैं और भी सवाल होंगे कि सर फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे होंगे, शेयर प्राइस के साथ क्या मूवमेंट होगी, उससे संबंधित जो है मैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर आपके साथ जो है बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि देखिएगा शेयर प्राइजेस जो है वो इम्प्रूव इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मार्केट में एडवर्स सिचुएशन है, और मार्केट जो है रिजल्ट देखना चाहती है फर्स्ट क्वार्टर का कि फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट किस तरीके से आएंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ऑपरेशनली तो अच्छा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब COVID-19 की वजह से क्या डेंट जो है बैलेंस शीट पे पड़ेगा या प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ेगा वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उसमें कितना डेंट पड़ने की संभावना है, कितनी अर्निंग आने की संभावना है, वो जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो शायद कल या एक दो दिन के अंदर जब मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके साथ उस वीडियो में भी बात करूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो ये मुझे जरूर बताइएगा। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है एक बहुत अच्छी सिचुएशन यहां पर बैंक के लिए क्रिएट कर रहा है कि जो आज की डेट में पूरा जो सिस्टम है उसमें लिक्विडिटी जो है वो मेजर रोल प्ले करेगी, और जो बैंक को ग्रोथ करने के लिए जो कैपिटल चाहिए थी तो इस ग्रोथ कैपिटल को जो है बैंक मुझे लग रहा है आसानी से जो है रेज कर लेगा अब। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट है जो है स्टॉक मार्केट के अंदर या जो एनवायरनमेंट अभी COVID-19 की सिचुएशन से वो कहीं सीवियर जो है पेन ना बना दे, उसकी वजह से हो सकता है कि जो है ये जो प्रोसेस है थोड़ी डिले ना हो जाए तो। लेकिन मैं इस स्टेप को बहुत ही वेलकम स्टेप मानता हूँ। हालांकि देखिएगा इक्विटी का डाइल्यूशन हो रहा है, यानी कि मेरी ओनरशिप बैंक के अंदर परसेंटेज टर्म्स में चाहे कुछ भी शेयर्स हो लेकिन वो रिड्यूस होती आएगी, लेकिन जो बैंक है उसकी कैपिटल ऑलरेडी बहुत बड़ी है। तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इतनी बड़ी कैपिटल में बैंक कैसे ग्रो करेगा, देखिएगा जो बैंक है उनमें कैपिटल हमेशा बढ़ती ही रहेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ग्रोथ करने के लिए जो इक्विटी कैपिटल है वो समय समय पर जो है बैंकों के अंदर डाली जाती रहती है और उसी से ही वो ग्रो करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो कैपिटल आएगी इसकी वजह से इक्विटी का तो डाइल्यूशन होगा, लेकिन आगे चल के जो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप जो है मैं इसको मानता हूँ। हालांकि शेयर प्राइस से संबंधित अर्निंग से संबंधित जो बातें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।